हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ पॉन्ड्स का विटामिन डुओ शीट मास्क। दिस इज़ फॉर हाइड्रेटिंग शीट मास्क। ये आपके स्किन को हाइड्रेट करता है दोस्तों। दिस इज़ विद 100% नेचुरल कोकोनट वाटर। इसमें है कोकोनट वाटर। दिस इज़ एल्कोहल फ्री, पैराबिन फ्री। इसमें एल्कोहल पैराबिन कुछ भी नहीं है दोस्तों। दिस इज़ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड दिस इज़ मेड विथ 100% बायोडिग्रेडेबल फैब्रिक। और इसमें है विटामिन B3 और कोकोनट वाटर के गुण है इसमें। तो दोस्तों, ये आपके स्किन को ड्यूवी, रेडियंट एंड प्यूरिफाइड बनाता है दोस्तों। और इसमें है 15x मॉइस्चराइजिंग सेरम। तो दोस्तों, इसके बैक साइड में आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। कॉम्बाइनिंग द पावर ऑफ विटामिन B3 एंड नेचुरल कोकोनट वाटर टू सुपर बूस्ट ईच अदर helps to give you a deeply hydrated and moisturized skin। ये आपके स्किन को हाइड्रेट करता है और मॉइस्चराइज भी करता है दोस्तों। विटामिन B3 known to penetrate deeply to hydrate and replenish skin's natural moisture factor। ये जो विटामिन B3 है, ये आपके स्किन को हाइड्रेट करता है और आपके स्किन्स नेचुरल। इसमें है कोकोनट वाटर known to nourish and maintain skin moisture विथ 5 मिनरल इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसमें ये जो कोकोनट वाटर है, ये आपके स्किन को नरिश करेगा और आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। और इसमें है 5 मिनरल इलेक्ट्रोलाइट्स। पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है और कैल्शियम है। ये 5 मिनरल्स आप लोगों को इस शीट मास्क में मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हाउ टू यूज में लिखा हुआ है, क्लेंस योर फेस वेल विथ अ फेस वॉश। तो आपके फेस को अच्छे से एक फेस वॉश से वॉश करना है। उसके बाद है टियर पैक, रिमूव एंड अनफोल्ड मास्क केयरफुली, प्लेस ऑन टू योर फेस। तो फेस शीट मास्क को उसे निकालना है और अपने फेस को अच्छे उसके आपके फेस के ऊपर इसे एडजस्ट करना है। और स्टेप 3 है, एडजस्ट द मास्क अराउंड योर आईज, नोज एंड माउथ टू फिट यू। तो इसे लगाने के बाद इसे एडजस्ट करना है आईज, नोज और माउथ को। लेट द गुडनेस ऑफ विटामिन्स सोक इन फॉर 15 मिनट्स। तो इसे आपको 15 मिनट्स तक रखना है दोस्तों। उसके बाद स्टेप 5 है, रिमूव द मास्क, डैब एंड पैच द एक्सेस सेरम ऑन इन टू योर फेस एंड नेक। तो इसे फेस शीट मास्क को रिमूव करना है और जो भी एक्सेस सेरम है इसे अच्छे से डैब करके अच्छे से अच्छे से मसाज करना है ताकि ये सीरम आपकी स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए दोस्तों। डू नॉट रिंस ऑफ, एंजॉय फॉर योर ड्यूवी, रेडियंट एंड प्यूरिफाइड स्किन। तो इसे अप्लाई करने के बाद वॉश ऑफ नहीं करना है और आप इसे एंजॉय करना। तो दोस्तों, इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसमें है ग्लिसरीन, ग्लाइकॉल, वाटर और भी बहुत सारे केमिकल्स है इसमें, लेकिन इसमें पैराबेन नहीं है। दिस इज मेड इन इंडिया प्रोडक्ट और ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का प्रोडक्ट है। और इसका इसमें एक शीट मास आप लोगों को मिल जाएगा और इसका नेट वॉल्यूम आप लोग देख सकते हो, ये 25 ml का है। तो दोस्तों, शीट मास हम लोगों को कब यूज करना है, जब सपोज हम किसी पार्टी या फंक्शन या ओकेशन पे जा रहे हैं, उससे पहले भी आप यूज कर सकते हो। सपोज आप मेकअप कर रहे हो तो उससे 1 घंटे पहले भी आप इसे यूज कर सकते हो। जब आप ट्रैवलिंग पे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तब भी आप इसे कैरी करना अपने पास, तो तब भी आप इसे यूज कर सकते हो। ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। और सपोज आपके पास 30 मिनट या 40 मिनट्स आपके पास टाइम नहीं है स्टेप बाय स्टेप फेशियल करने को, तो तब भी आप इसे यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल 10 से 15 मिनट ही लगता है आपके फेस के ऊपर आप रख सकते हो। अगर आप फेशियल कर रहे हो तो आपको तो 30 से 40 मिनट तक फेशियल स्टेप बाय स्टेप करना ही है। तो आप चाहो तो इंस्टेड ऑफ डूइंग फेशियल यू कैन यूज दिस। और सपोज आपकी शादी होने वाली है, ब्यूटिशियन आपका मेकअप करने वाली है, तो उससे 1 घंटे पहले भी आप यूज कर सकते हो। और जब भी आप शीट मास्क अप्लाई करोगे, तब इसे फ्रिज में आप 5 से 10 मिनट के लिए आप रख सकते हो, उसके बाद आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इससे करने से आपको कूलिंग सेंसेशन मिलेगा दोस्तों। और ये है हाइड्रेटिंग फेस शीट मास्क।
तो आप इसे गर्मियों में जैसे कि मार्च अप्रैल और मई महीने में अगर आप यूज़ करोगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि गर्मियों में ही हम लोगों को हाइड्रेशन की ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो अब मैं इसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो दोस्तों मैं अपने फेस को वॉश कर रही हूँ अभी। आपको ये फेस वॉश यूज कर सकते हो। मैं गार्नियर का विटामिन सी फेस वॉश यूज कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा है ऑयली स्किन वालों के लिए। मैंने इसका रिव्यू भी किया है, आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने अपने फेस को वॉश कर ली है और अभी इसे खोलती हूँ मैं। यहाँ पे कट मार्क है। इसका अरोमा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ्रेश है, हाइड्रेटिंग है, अच्छा है इसका अरोमा। तो दोस्तों मास्क को अप्लाई करने के बाद आप अच्छे से एडजस्ट कर लेना, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो दोस्तों मैंने अभी मास्क को अच्छे से अप्लाई कर ली है और अभी 15 मिनट बाद मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी 15 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और ये शीट मास्क को भी मैं रिमूव करती हूँ। और जो भी एक्सेस सीरम है आप एक टिश्यू पेपर या एक टॉवल रुमाल आप ले सकते हो, फेस टॉवल, उसे एक्सेस सीरम को आप रिमूव कर देना। और जो भी एक्सेस सीरम है उसे अच्छे से मसाज कर लेना ताकि आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए दोस्तों। और ये जो शीट मास्क है इसे आपके नेक पे भी आप इसे ऐसे अप्लाई कर सकते हो। और इसे यूज़ करने के बाद आपको अपने फेस को वॉश नहीं करना है दोस्तों। आप लोग देख लो मेरा स्किन कितना ड्यूई और रेडिएंट लग रहा है, और ये हाइड्रेट करता है स्किन को, तो ये अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो पॉन्ड्स हाइड्रेटिंग शीट मास्क के ऊपर। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग इसे परचेज कर लेना, आप लोग इसे ट्राई जरूर करना। और मिलती है अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।